हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। मुझे ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि आपने भी नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब आप जब नेचुरल चीज़ों को यूज़ करने लगे हैं तो धीरे धीरे आपकी स्कैल्प पे, आपके फेस पे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है फिर से मेहंदी के ऊपर, क्योंकि जो लास्ट वीडियो भी मैंने 3-4 दिन पहले पोस्ट किया था उसमें काफ़ी सारे डाउट्स रह गए थे जो मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। तो इस वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। अपनी मेहंदी को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। लोहे की कढ़ाई को मैंने बस पानी से ऐसे ही धो लिया है ताकि उसमें कोई धूल मिट्टी ना रहे, बाकी मैंने उसे वॉश नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं लोहे की कढ़ाई में कितना आयरन लगा हुआ है, कितना कलर है। तो इसमें मैंने 2 ग्लास भर के ताज़ा पानी लिया है और इसमें मैं डालने वाली हूँ आंवला, रीठा और सीकाकाई। इन तीनों चीज़ों को डाल के मैंने इस पानी को ओवरनाइट के लिए रख दिया है ताकि जो आंवला, रीठा और सीकाकाई हैं वो अच्छे से पानी में भीग जाएं, फूल जाएं और जो भी कलर इनमें है, देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग बिना बॉयल किए हुए इतना कलर हमारे आंवला, रीठा और सीकाकाई ने हमें दिया है। अब मैंने इसे गैस पे रखा है, गैस पे मैं 5 से 7 मिनट और इसे अच्छे से बॉईल करूंगी ताकि जो भी मिश्रण या पोषक तत्व या फिर जो कलर रह गया हो वो भी हमारे वाटर में आ जाए। बात करें कि कौन सी मेहंदी का मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे पास ये झोले वाली मेहंदी है सिल्वर गोल्ड की, इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल नेचुरल मेहंदी है, कोई डाई नहीं है या फिर कोई वैसा कलर नहीं है कि आपको हार्मफुल होगा या फिर कोई इश्यू आपको आएगा। तो जितने भी आपके बालों की लेंथ है उतनी आपको मेहंदी की क्वांटिटी लेनी है और जो लिक्विड हमने ओवरनाइट के लिए तैयार किया था उसे बॉयल करके ठंडा करने के बाद सुबह मॉर्निंग में मैंने इसे मेहंदी में डाला है। देखिए मैंने पानी को तो ओवरनाइट के लिए रखा है लेकिन मैं मेहंदी मॉर्निंग में भिगो रही हूँ। सुबह सुबह मैंने इस प्रोसेस को किया है, कोई 6:30-7 बजे के आसपास 3-4 घंटे मैं अपनी मेहंदी को भिगो के रखूँगी, उसके बाद अपने बालों में लगाऊंगी। 3-4 घंटे के बाद आप मेहंदी का कलर देख सकते हैं, जो भी लिक्विड हमने डाला था उसका भी कलर हमारी मेहंदी में चढ़ गया है और जो हमारी लोहे की कढ़ाई थी उसका भी कलर हमारी मेहंदी में आ गया है। मेहंदी ग्रीन से एकदम ब्लैक हो गई है, बहुत ही प्यारा कलर हो गया है और अच्छे से मेल्ट होके मेहंदी रेडी हो गई है। अगर आपके बालों में थोड़ा बहुत ऑयल पहले से लगा हुआ है तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही अपने बालों में मेहंदी लगा सकते हैं। और अगर आपके बहुत ही ज़्यादा ड्राई हेयर हैं, आपको फील आती है कि मेहंदी लगाने से और भी ज़्यादा ड्राई हेयर हो जाएंगे और फिर हेयर फॉल होगा, तो जब आप अपनी मेहंदी को भिगोएंगे उस टाइम पे आप 1 चम्मच कोकोनट ऑयल इसमें मिक्स कर लीजिए और उस मेहंदी को अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। आप चाहें तो खुले बालों में ऐसे ही ब्रश की हेल्प से मेहंदी लगा सकते हैं या फिर जूड़े वाली मेहंदी भी आप लगा सकते हैं। अगर ग्लव्स हैं तो उन्हें पहन लीजिए, अदरवाइज़ बहुत ही डार्क कलर हमारे हाथों में रह जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है जब हम घूमने जाते हैं। कोई भी जब कपड़ा मतलब ऐसा पहन के रखें, अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं वो ख़राब तो होगा ही क्योंकि दाग लगते ही हैं मेहंदी के, तो पहले से ही इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। मेहंदी लगाने से पहले ही एक बार अपने बालों को कॉम्ब कर लें ताकि आपके जो ग्रे हेयर हैं, जो वाइट हेयर आपको हो रखे हैं, उन्हें पार्ट में डिवाइड कर करके आप अच्छे से अपने बालों में मेहंदी लगा पाएं। बहुत लोग परेशान रहते हैं वाइट हेयर से। देखो मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे भी स्कैल्प पे वाइट हेयर है और वाइट हेयर एक दिन में ब्लैक हेयर नहीं होते हैं। अगर हम परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं बालों को काला करने का, तब जाके हमारे बाल 5 से 6 महीने में चेंज हो पाते हैं। अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं कि हमने 8 दिन में एक बार कर लिया, 15 दिन में एक बार कर लिया, तो उस कंडीशन में हमारे वाइट हेयर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हो पाएंगे क्योंकि प्रोसेस हमें अंदरूनी भी करना है और बाहर से भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमने रेमेडीज तो लगा ली है लेकिन जो हमारा खान पान है, जो रहने का तरीका है, सोने खाने पीने का तरीका है, वो सब ऐसा ही चल रहा है। अगर हम अपनी स्कैल्प पे बाहर से वर्क कर रहे हैं तो हमें अंदरूनी वर्क के लिए भी अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अपने खान पान को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने सोने को बैलेंस करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें खानी पड़ेंगी,
ताकि हमारी जो अंदर की कमजोरी है वो दूर होके जो बालों में कमी आ रही है धीरे धीरे वो रिमूव होने स्टार्ट हो जाए और हमारे वाइट हेयर धीरे धीरे ब्लैक हेयर में चेंज होने शुरू हो जाए। पहले मैंने आगे के हेयर कवर किए क्योंकि ज़्यादातर जो हमें वाइट हेयर आते हैं वो आगे की तरफ ही आते हैं, तो फ्रंट का हेयर बालों को खुला करके कवर कर लीजिए। उसके बाद आप खुद से जूड़ा बना के भी मेहंदी को लगा सकते हैं। मैंने इस मेहंदी को अपने बालों में 4 से 5 घंटे रखा क्योंकि अगर हमें अच्छा कलर चाहिए, बालों में अच्छी नरिशमेंट चाहिए, तो उसके लिए 4 से 5 घंटे मेहंदी को अवश्य ही अपने बालों में रखें। 4 से 5 घंटे के बाद आपको अपने बालों को सादे पानी से वॉश करना है। ध्यान रखना है कि फर्स्ट डे आप शैम्पू नहीं करेंगे। छोटे छोटे ग्रैनुअल्स हमारे बालों में रह जाते हैं, उनसे परेशान नहीं होना है, उनसे डिस्टर्ब नहीं होना है कि हमारा हेयर स्कैल्प साफ नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी हम मेहंदी लगाते हैं बस पानी वेस्ट करते रहते हैं, उसके बाद भी जो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स हैं वो नहीं निकल पाते, क्योंकि यहाँ पे हमें डबल हेयर वॉश की ज़रूरत पड़ती है। मेरा हेयर वॉश कंप्लीट हो चुका और सादे पानी से मैंने अपने बालों को वॉश किया है, क्योंकि वॉश करने के बाद जब आपके बाल अच्छे से सूख जाएं तो आपको ऑयलिंग करनी है। हैवी ऑयलिंग का इस्तेमाल आप करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने बालों को शैम्पू से वॉश करेंगे, ताकि जो भी कलर हमारी मेहंदी में है वो अच्छे से हमारे बालों में चढ़े। जिस तरीके से हम हाथों में मेहंदी लगाते हैं और जब मेहंदी को साफ कर लेते हैं उसके बाद तरह तरह के ट्रीटमेंट्स अपने हाथों पे फॉलो करते हैं ताकि हमारी मेहंदी का कलर हमारे बालों में और डार्क आए, ठीक इसी तरीके से अपने बालों को सादे पानी से धोने के बाद आपको ऑयलिंग का प्रोसेस करना है। मैं ऑयलिंग का प्रोसेस आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अभी मेरे हेयर पूरे तरीके से नहीं सूखे हैं, अभी मेरे भी बालों में छोटे छोटे ग्रैनुअल्स रह गए हैं, लेकिन उनसे कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि जब हमारे हेयर सूख जाएंगे कुछ छोटे छोटे मेहंदी के पार्ट वो तब निकल जाएंगे, और कुछ जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग अपने बालों में शैम्पू करेंगे, अच्छे से बालों को साफ करेंगे, तो तब हमारी स्कैल्प अच्छे से साफ हो जाएगी। लेकिन बालों को सूखने के बाद आपको अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर करनी है। उम्मीद करती हूँ कि सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बात करें मेहंदी कब कब लगाएं, तो आप हफ्ते में भी लगा सकते हैं, 15 दिन में भी एक बार लगा सकते हैं, और महीने में भी। ये आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग देखना है कि किस तरीके के वाइट हेयर हैं या फिर किस चीज़ के लिए आप मेहंदी लगा रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं रखूँगी इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।